चको जी चकाओ जी, चारे की लोड़ है जी, क्योंकि साढ़े जो पशु हो गए उन्होंने वास्ते कुछ नहीं बचा। देखो जी कितना सड़कां टुटियां पईयां ने। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, स्वागत है थोड़ा सारिआं दा साडे चैनल माही म्यूजिक स्टूडियो ते। तो अज दी वीडियो कोई व्लॉग या कोई म्यूजिक वीडियो नहीं है, अज दी वीडियो है उन्हां लोकां वास्ते जो कि पानी दी चपेट च आन कारण जिन्हां दा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुकिया। तो अज आपां जा रहे हैं फिरोजपुर के खेतरी इलाके विच, बॉर्डर एरिए दे विच, उत्थे जा के उन्हां नाल लोकां नाल दुख सांझा करदे हां ते जिन्ना भी प्रभु ने कराया उन्हां दी सेवा करदे हां जाके, ते थोनू भी उत्थों दे हालात दिखाने हां। चलो हुण सिद्धा मिलदे हां उत्थे। लो जी जदों असीं पहुंचे ते आ वेखो असीं की देखिया कि उत्थों दे जिहड़े छोटे छोटे बच्चे ने वो पानी लैके जा रहे ने, लेकिन इन्हों ये पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि जिथे हड़ की मार हुई है वो हले बहुत ही दूर इलाका पै। तो मेरी इन्हों लोगों भी रिक्वेस्ट है कि जिन्ना तकर चीज़ पहुँचनी चाहिए है उन्हों तकर प्लीज़ पहुँचन दो, तो इदा चीज़ों वेस्ट ना करो। चलो आप सुनते हैं पादरी साहब की गल की कह रहे हैं, क्योंकि साडा काम है ग्राउंड की असली रियलिटी विखाना, ना कि व्यू लैन वास्ते ऐदा ही कुछ भी दिखाई जाना। चलो हुण आपां सुणदे आं पादरी साहब की गल। तो नाजुक ने इधर काफ़ी नुकसान है इन्होंने इलाकों के, बार्डर के उत्ते लोग घरों बेकार हो गए हैं और खाने की मंदी है, पीने पानी की भी प्रॉब्लम है, पशुओं का बड़ा बुरा हाल है। और असं यही चाहते हैं कि चलो जिन्ना हो सकता मिल जुल के इन्होंने लोगों की मदद की जाए, असं भी जिन्ना सहयोग हो सकता कर रहे हैं, मिलकर साढ़े पास साहबान सारे इस चीज़ में जिनी मदद से पहुँचा रहे हैं, और असं चाहते हैं कि जिन्हें लोग कर सकते हैं वहाँ पहुँचन और लोगों की सहायता करें। अच्छा, इस तो बाद जो असं मिलते हैं जिदा डेस्टिनेशन पर जाके, तो उ फिर बाकी पास्टर साहबान थोड़ा मिलाने मिलते हैं। फिर चलो कोई नहीं, एक बार अभी आए उधर आए थे तो है करिए कर चलो कोई डंगर आली देख ले खाना बहुत खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अच्छी गल है लोगों को हेल्प करनी चाहिए है, लेकिन उत्थे करनी चाहिए है जिथे असल दे विच जरूरत है। चलो कोई गल नहीं, देखते हैं उन अगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है सेवा करके, क्योंकि मनुखता की सेवा ही सब तो वड्डी सेवा है, इस करके बहुत अच्छा अज लग रहा है धर्मां तो उपर उठ कर ये सेवा करते हुए। साड़ी खास करके क्रिश्चियन कम्यूनिटी अगे आई है, चलो इस गल की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। चलो देखते हैं।
ਸਾਡੇ ਮੰਦੋੜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। लो जी असी हुण पहुँच चुके हैं उही जगह पर जिथे पानी ने बहुत ज़्यादा मार की है। तुसी देख सकते हो लोगों के झोने बिल्कुल डुब चुके हैं, पैलियाँ बिल्कुल डुब चुकी हैं। इस बारे भी इन्हों तो लोगों तो रिव्यू लवेंगे। पहला थोनों दस दिए कि जिहड़ी जिथे असल च जिथे घर च मार की है पानी ने, वह इस दरिया तो अगले पासे है जिथे कि लैके जा रहे ने बेड़िया के नाल किश्तियां दे नाल समान पहुँचाया जा रहा। जिवें कि मैं थोनों पिछे दस रहा सी कि वह जिहड़ा दूसरे पिंड ने उन्हां नूं हले इस सेवा की जरूरत नहीं है। तो चलो आप लैने इन्हां दे रिव्यू की हाल है इत्थों दा। बेड़ी लाके पिंड गट्टी भी इधर ही है मेरे ख्याल ना गट्टी आ जाएगी पिछे सारी गट्टी सो अज प्रभु की दया के नाल बार्डर एरिए उत्ते जिहड़े पानिया के हड़ां के कारण खराब हुए पिंडां दे विच पहुंचे आ। हालात काफ़ी खराब है, तुसी देख सकते हो पानी का चढ़ाव किन्ना आ चल रहा और कुछ भाई खाण पीन का समान लैके जा रहे। अज दौलनी फ्रीडम चर्च वालों रसद खाण की लैके आए हैं जगह देते और इस जगह के लोकल लोगों ने जो अभी मिले उन्होंने गलबात की है। खाण का समान ठीक है, पहुँच रही है समगरी, पर जोड़े जानवर ने पशु ने उन्हों का बहुत हालात खराब है। उन्होंने लिए खाना कुछ भी नहीं है और तुम देख सकते हो कि जदोजहद करके वो भाई किश्ती पार लैके जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम च पा के, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। और असी सोशल मीडिया के माध्यम के राही एक बेनती करना चाहते हाँ जिहड़े साडे वीर भरा सज्जन मिनिस्ट्रियां जो देख रही ने जो उपराला कर रही ने खाण का, और असी चाहते हाँ कि रसद के नाल नाल जरूर जानवरों के लिए भी तुसी चारे का उपराला करो ता जो मिलजुल के असी इस समय जो भाई साढ़े भैन ने हालात गंभीर ने और लोग जदोजहद कर रहे ने असी उन्होंने नाल खड़ीए उन्हों की रसद के नाल नाल उन्होंने जानवर ने बहुत, क्योंकि बार्डर एरिए तकरीबन मोस्टली लोगों ने जानवर रखे ने, क्योंकि उन्होंने इतों ही चलता सब कुछ जमीना ने जमीना के उत्ते तुम वेख सकते हो सारिया फसलों बर्बाद हो चुकी ने और जानवर जोड़े ने बेचारे मंडी के बच्चे ने, क्योंकि जिन्हें भी उन्होंने पट्ठे से दाना से सब बर्बाद हो गया। और इतों के कुछ लोगल साढ़े नंबरदार साहब इतों के मौजूद ने और मैं चाहना कि चंद शब्द भी बोलो थोड़ा बोलन साढ़े ब्रदर अमृतदार साहब भाई। यही है साड़ी समस्या भी सानू हुण अपने खाने पीने रस दे नाल साडे पशुआं दा बड़ा औखा काम है जी। साडा सारा पूरा जिहड़ा पट्ठा जो चारा बीजा है जी वह खराब हो गया जी। तो यही है जिहड़ा साडा भी हैल्प करनी चाहुंदा, तूड़ी वगैरह हो गई जिद्दां पट्ठे हो गए और फीड वगैरह चौकर जो भी जिवें जिहदी जो शरदा साडे तक पहुँचा सकदा भाई। चलो ठीक है, होर भी इतने लोग साढ़े बैठे हुए भाई असं उन्होंने भी गल की, उन्होंने यही मंग है
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਓਨਲੀ ਫਰੀਡਮ ਚਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਣੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਰਚੇ ਸਿਰਜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਪਾਈਏ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਆਮੇਨ ਬਸ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰੰਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੂੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਪੱਠੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਰੁੜ ਗਏ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਲਿਖਣਾ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁੱਲ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਬੰਨ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਬੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇਗਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਇਸਾਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
साढ़े भाई साहब अंग्रेज सिंह जी उस जगह पर पहुंचे हैं और काफ़ी पिंड हालात उधर बुरे ने। सो मैं निवेदन करदा कि जोड़े सेवक फाजिलका जिले के उन्होंने इलाकों तक पहुँचन और उस जगह पर संयोग दे विच सांझी हो सकते हैं ताकि रल मिल के उस इलाके की मदद की जाए। और जितों तक साढ़े तो भी हो सके असी जल्द तो जल्द उस फाजिलका इलाके जाके भी उन्होंने पीड़ित लोगों तक जो हड़ के प्रभाव के नाल उन्हों की पीड़ा वधी है उन्होंने तक पहुँचीए और उन्होंने तक समग्री पहुँचा। फाजिलका दे विच तुसीं साढ़े भाई अंग्रेज सिंह वारवाल वालों पिछले जदों दे हड़ आए ने एक अच्छे लीडर होंगे ना सबूत दिता पिंडां दे विच विचरे ने आप और हुण भी वह फाजिलका दे विच ने। और मैं चाहुंदा जिहड़े उधर दे सेवक ने उन्हां दा नंबर असीं जिद्दां कि तुसी देखिया पंजाब दे हालात बहुत ही नाजुक ने। ते मेरी तो बस यही गुजारिश है कि कमेंटां दे विच अल्लाह वाहिगुरु या हलेलुया लिखन दी बजाए तुसी इस वीडियो नू शेयर करो तां जो इन्हां लोकां तक होर मदद पहुँच सके। चलो देखते हैं हुण अगे। लो जी सेवा करके बार्डर इलाके से पहुँच चुके हैं हुण घरे जा रहे हैं। तो साढ़े नाल साढ़े पास्टर साहिबान पास्टर रजिंदर मसीह जी अते पास्टर पतरस पठान जी अते पास्टर गाला जी। तो हुण आपां रिव्यू लवांगे साढ़े पास्टर रजिंदर कुमार जी दे। लो जी सब नूं जय मसीह दी। प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। सो अज प्रभु ने समय दिया कि हम लोग पंजाब में जो इन दिनों में हालात चल रहे हैं उन हालातों का थोड़ा जायजा लेने के लिए गए और लोगों से हम मिले और जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं क्योंकि हड़ की वजह से बहुत सारा नुकसान हमने देखा है। टुडे वी वेंट टू मीट विद द पीपल दोज हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स इन पंजाब एंड वी वेंट देयर एंड वी टॉक्ड विद देम एंड रियली दे आर इन पैथेटिक कंडीशन। दे डोंट हैव फूड, दे डोंट हैव food for their carols and they are living in the pathetic condition. लोगों के घर में पानी घुस गया और पानी काफ़ी हद तक घुसा और उनका जितना भी उन्होंने अपना गेहूँ और खाने के लिए जो भी रखा था वेजिटेबल थे और जो उनके पशुओं का चारा था वो सब टोटली ख़त्म हो चुका है और लोग काफ़ी बुरे हालातों के अंदरों में सामना कर रहे हैं और अभी भी जो हड़ के हालात हैं वो बने हुए हैं बरकरार। एंड ड्यू टू द वाटर व्हेन इट रीच्ड टू देयर हाउस एंड एवरीथिंग इन देयर बिल्डिंग दे गॉट डिस्ट्रॉयड। दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट नाउ बिकॉज इट इज स्पॉइल्ड विद द वाटर एंड दे डोंट हैव इवन फूड फॉर देयर कैटल्स। और मिलकर हमने पिछले समय से हम सब लोगों ने मिलकर हमारी चर्चों की ओर से कुछ सहयोग से उन लोगों तक हमने कुछ खाने की सामग्री को पहुंचाया है और आज भी कुछ देखे हैं और जब तक वो हालात चलेंगे हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रभु हमें फाइनेंशियली कुछ प्रोवाइड करेगा और खुदावंद अगर हमारे लिए कुछ द्वार खोलेगा तो हम आगे कंटिन्यू लोगों तक पहुंचेंगे उन लोगों तक जो ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत से क्रिश्चियन परिवार जो प्रभु को जानते हैं वो भी उस फ्लड के चपेट में आए हैं और भी बहुत से लोग हैं जो घरों से बेघर हो चुके हैं। ना वहाँ पे लाइट है ना पानी है हालात ख़राब हैं और हम चाहते हैं कि आप उसके लिए दुआ करें कि प्रभु रास्ता खोले और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हो सके आप भी सहयोग दें ताकि हम मिलकर पंजाब के लोगों की सहायता कर सकें। एंड डे बिफोर यस्टरडे आल्सो वी वेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सम फूड एंड वाटर्स टू देम एंड टुडे आल्सो वी वेंट अलोंग विद द फूड्स एंड
really they don't have anything, they don't have electricity, they don't have water, and by God's grace we could provide them food to eat, water to drink, and you know that the condition is continued, it is not over yet, and they need daily provision, and we don't have enough to go and distribute to them. We request you to stretch out your hands so that we can help them in their condition, because there are some Christians family, those who know the Lord, but along with that there are some non-Christian family. So you know that when we go to them and we talk with the non-Christians family, and through the provision of the food, through the provision of water, we can share with them the gospel. We can share that we are from the church, and by this social work also we can reach them with the gospel as well. So we request you to help Punjab in this pathetic condition, because the condition is worse. People have lost everything. People have lost their field. People have lost their crops. People have lost their animals. So if we go to them and help them, it would be a great blessing for them. And through this, we can share the gospel with them. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने लोगों को देखा और उसने तरस खाया और प्रभु ने उनको खाने के लिए जो चीजें थी वो प्रोवाइड की. We read in the Bible when the people were hungry, Lord Jesus moved with compassion and fed them when they don't have food to eat. और बाइबल बताती है कि प्रभु के हम बच्चे हैं, प्रभु के बुलाए हुए उसने हमें अलग किया है, और हमारा हमें भी प्रभु ने अपने समान एक मन दिया है कि इन दिनों में हम भी उन लोगों के लिए अपने मन में दया दिखाए, अपने हाथों को बढ़ाकर जितना भी हो सके अपनी प्रार्थनाओं के साथ हर प्रकार से हम उनकी सहायता करें, और इन दिनों में हम पंजाब के लिए प्रार्थना करते हुए आर्थिक परिस्थिति में भी उनकी सहायता करें. We are God's children, the same heart which Jesus had on the earth. We have the same heart of compassion, and we can pray for these people, and we can help them as well in this condition. और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और जो देख रहे हैं. सचमुच प्रभु आपसे बात करेगा और आप अपने दिलों को और हाथों को खोलेंगे कि हम प्रभु के कार्य को आगे कर सकें. I'm really thankful to the people, those who are watching this video, and to whom God is talking through this video. Please keep on praying for us, and if the Lord wants you to stretch out your hands, please do it and do the will of God, and really God will bless you. Thank you so much. God bless you. Amen.